श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। सुनो दिव्य ज्ञान मैं कहता तुमसे, अब जिसे जान कर ऋषि मुनि सिद्धि को प्राप्त हुए सब। इसी ज्ञान में स्थिर मानव मुझको पा सकता है, ना सृष्टि उत्पन्न से वो ना प्रलय से ही डरता है। मेरी ब्रह्म मूल प्रकृति सर्वभूतों की योनि है, उसमें गर्भ स्थापना करता जिससे उत्पत्ति होनी है। नाना प्रकार की योनियों में जो प्राणी उत्पन्न होते, प्रकृति उनकी माता कहाते और हम पिता कहाते। सतरज तम तीन गुण जो प्रकृति के हैं होते, अविनाशी जीवात्मा को शरीर में है बांधते। तत्व गुण जो विकार रहित निर्मल होता है, सुख और ज्ञान के संबंध से जीव को वो बांधता है। रजोगुण की उत्पत्ति है आसक्ति कामना से, बांधता है ये जीव को कर्म फल की भावना से। तीसरा गुण तमो गुण ये अज्ञान से उत्पन्न होता, जीवात्मा को प्रमाद वालस निद्रा से है बांधता। सतोगुण सुख में लगाए रजोगुण कर्म में, तमोगुण ज्ञान को ढक कर लगाए प्रमाद में। सतरज तम गुण आपस में सामर्थ्य घटाते, अपने गुण बढ़ाकर दूजे गुणों को घटाते। जब इंद्रियां चेतन हो बढ़े विवेक और ज्ञान, सत्व गुण बढ़ा है तब तुम ऐसा लो जान। रजोगुण जब बढ़ जाता तो बढ़े काम और स्वार्थ, अनियंत्रित इच्छा बढ़ती ना तृष्णा अंत हो पार्थ। जब तमोगुण बढ़ जाता है कुरुनंदन ये जान, अंधकार प्रमाद निद्रा और बढ़ता अज्ञान। मृत्यु
सतोगुण में हो तो पुरुष वो साधु समान दिव्य लोक और स्वर्ग आदि में पाता है वो स्थान। रजोगुण में मरने वाला जन्मे भोगियों में, तमोगुण में मर के जन्म ले कीट और पशुओं में। श्रेष्ठ कर्म का फल निर्मल और सात्विक है कहाता, राजस का फल दुख तामस का फल अज्ञान है पाता। सतगुण में ज्ञान उपजे रजोगुण में लोभ, तमोगुण में प्रमाद मोह अज्ञान और क्षोभ। सतगुणी जाते उच्च लोक में रजोगुणी भूलोक, तमोगुणी नीची योनियों में पाते नरक लोक। जब कोई जान लेता है कि त्रिगुण ही है करता, इनसे भी परे मुझे साक्षी जाने मुझे प्राप्त वो करता। तीनों गुणों को लांघने में होता है जो समर्थ, जन्म मरण कष्टों से मुक्त वो मुझको प्राप्त हो पार्थ। से पार हो जाता उसके लक्षण क्या भगवन, कैसे पार हो तीनों गुणों से करे वो कौन सा आचरण। प्रकाश आसक्ति मोह उत्पन्न होने पे ना द्वेष करे, लुप्त हो जाने पर अर्जुन ना इच्छा इनकी कभी करे। भौतिक गुणों की प्रतिक्रिया से निश्चल सदा रहे, केवल गुण ही क्रियाशील है साक्षी बना रहे। सुख दुख सोना मिट्टी है प्रिय अप्रिय एक समान, आत्म भाव में स्थित रहे निंदा स्तुति एक मान। मान और अपमान में सम मित्र शत्रु हो समान, गुणातीत वो पुरुष करे कर्तापन का न मान। एकांत प्रिय और पूर्ण भक्ति में रहता जो मगन, तीनों गुणों को लांघ वो ब्रह्म का जाता बन। अविनाशी पर ब्रह्म का अमृत का नित्य धर्म का आश्रय हूँ मैं अखंड एक रस आनंदमय कर्म का। यहाँ ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग समाप्त।